नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं एमपीएचजीएस एग्जाम और एमपीसीसी एग्जाम के लिए एविडेंस एक्ट के 5 लीडिंग जजमेंट जो कि अभी हाल ही में 2019 और 20 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए हैं और जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो। मित्रों, आज के इस वीडियो का हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट जजमेंट है पी गोपाल कृष्णन वर्सेस केरल राज और एक अन्य। यह केस जो है 29 नवंबर 2019 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया। इस केस में मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव को लेकर जो है डायरेक्शंस दिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव की अंतर वस्तु, जो भी उसके अंदर मटेरियल है, अंतर वस्तु एक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होने के कारण एक दस्तावेज के रूप में माना जाना चाहिए। मतलब जो कुछ भी कंटेंट किसी मेमोरी कार्ड में या फिर पेन ड्राइव में जो कुछ भी डाटा है, वह जो है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होते हैं तो उन्हें जो है एविडेंस एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत जो है दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में माना जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अभियोजन दस्तावेजी साक्ष्य पर विश्वास व्यक्त करता है, मतलब जो प्रोसिक्यूशन है वह ऐसी मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव के अंतर्गत जो कंटेंट है, जो उसमें डेटा है, उस पर अगर, और वो दस्तावेजी साक्ष्य है, और अगर अभियोजन उस पर विश्वास व्यक्त करता है तो सामान्यतः अभियुक्त को उसकी प्रति विचारण के दौरान अपनी प्रभावी प्रतिरक्षा पेश करने के लिए उसे समर्थ बनाने हेतु दिया जाना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। जिस प्रकार से हमारी सीआरपीसी में सेक्शन 207 के अंतर्गत धारा 207 का अनुपालन कराया जाता है मजिस्ट्रेट्स के द्वारा, तो ऐसी कंडीशन में जब 207 का अनुपालन कराया जा रहा हो तो उसमें जो है अगर अभियोजन जो है ऐसे मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव जो कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है इन पर अगर अपना विश्वास व्यक्त करता है तो ऐसी स्थिति में जो अभियुक्त है उसको जो है ऐसे डॉक्यूमेंट की कॉपी दी जानी चाहिए। अगर अभियोजन जो है इस पर विश्वास व्यक्त करता है तो ऐसे अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए, न्यायालय में अपना डिफेंस रखने के लिए जो है ऐसे डॉक्यूमेंट की कॉपी जो है प्रोवाइड की जानी चाहिए। इसी के साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत दस्तावेजी साक्ष्य होता है। मतलब कि पेन ड्राइव में या फिर मेमोरी कार्ड में अगर कोई डेटा है, अगर कोई कंटेंट है, तो ऐसा कंटेंट अगर न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया गया है तो वह जो है इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं। अब इसी के साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह भी कहा कि अगर ऐसी मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव जो है इसमें कोई ऐसा कंटेंट है जो कि किसी रेप विक्टिम से रिलेटेड है या ऐसा है जो कि पब्लिक के लिए या लोक हित में उसको जो है पब्लिश किया जाना या उसको प्रदान किया जाना जो है अनुचित होगा, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है क्या कर सकता है, ऐसे अभियुक्त को और उसके अधिवक्ता को जो है न्यायालय में ही या फिर न्यायालय की उपस्थिति में ही ऐसे दस्तावेज का अवलोकन करने के लिए भी दिया जा सकता है। कुल मिलाकर सीआरपीसी की धारा 207 का अनुपालन जिस प्रकार से सामान्य दस्तावेज के बारे में कराया जाता है, उसी प्रकार से मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव के अंतर्गत पेन ड्राइव के को भी उसी प्रकार से जो है उसको मुहैया कराया जाएगा। तो यहां पर ये केस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि अभी जितने भी कोर्ट में केसेज आ रहे हैं उसमें कई सारे एविडेंस जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। कई बार मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव के संबंध में जो है विवाद उत्पन्न हो जाता है कि उसकी कॉपी दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है या नहीं है, उसे दस्तावेजी साक्ष्य माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता। इसके संबंध में इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को डायरेक्ट करते हुए यह सारे के सारे संदेह यहां पर समाप्त कर दिए। अब इसके बाद जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट केस है पी रमेश वर्सेज राज्य प्रतिनिधित्व द्वारा पुलिस निरीक्षक। अब ये केस जो है 9 जुलाई 2019 को डिसाइड किया गया, 9th जुलाई ऑफ 2019 को डिसाइड किया गया। यह केस बहुत ही अच्छा केस है। इसमें जो है
बाल साक्षी जो कि चाइल्ड विटनेस होते हैं उनके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। इस केस में हुआ क्या था कि एक पति के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई, धारा 302 का मुकदमा था, 498 ए भी लगी थी। तो ऐसी स्थिति में उस महिला के जो बच्चे थे, जो एक लड़का एक लड़की थी, एक लड़के की उम्र शायद 8 साल और लड़की की 6 साल, इस प्रकार के वो बाल साक्षी थे। अब न्यायालय में जो है, न्यायालय ने जो है उन साक्षियों की, उन बाल साक्षियों की साक्ष्य को लेने से इंकार कर दिया था, उनके एविडेंस को जो है रिकॉर्ड पर लेने से, इस तथ्य पर, इस बात पर इंकार कर दिया था कि वह बच्चे जो है न्यायालय को नहीं जानते हैं, वह नहीं जानते हैं कि न्यायाधीश कौन होता है, वह नहीं जानते हैं कि अधिवक्ता कौन होता है। तो इन बातों को लेकर जो है न्यायालय ने उनकी साक्ष्य को ग्रहण करने से मना कर दिया था। तो इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाल साक्षी के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है, बहुत ही स्पष्ट रूप से इसको स्पष्ट किया है। तो सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, किसी बाल साक्षी की सक्षमता पर कोई विचारण न्यायालय, मतलब किसी कोई बाल साक्षी जो है साक्ष्य देने के लिए सक्षम है या नहीं है, उसके लिए विचारण न्यायालय जो है, ट्रायल कोर्ट जो है, अपनी राय बना सकती है। किंतु आगे कहा, किंतु बाल साक्षी की सक्षमता का निर्धारण उसके, उससे किए गए प्रश्नों को उसके समझने की प्रवृत्ति और प्रवृत्ति प्रकृति को तथा उन प्रश्नों में दिए गए सुसंगत उत्तर को उत्तर के आधार पर किया जाना चाहिए। मतलब कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर बाल साक्षी की साक्ष्य देने की सक्षमता को अगर अवलोकन करना है तो उसके लिए जो है न्यायालय क्या कर सकता है, उससे प्रश्न पूछ सकता है। और अगर वह बाल साक्षी जो है प्रश्नों की प्रकृति, प्रश्नों की प्रवृत्ति और उसकी युक्ति संगतता को अगर समझता है और युक्ति संगत उत्तर देता है, तो ऐसी कंडीशन में बाल साक्षियों के साक्ष्य जो है न्यायालय में दिए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एविडेंस एक्ट की धारा 118 सेक्शन 118 जो है इस बात को स्पष्ट करती है कि न्यायालय में हर वो व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होता है जो कि ऐसे प्रश्नों को या ऐसी बातों को समझने में या उसको समझने के लिए सक्षम होता है। अब इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में और क्या कहा, इस केस में कहा कि मात्र इस कारण बाल साक्षियों का साक्ष्य दर्ज किए जाने से विचारण न्यायालय का इंकार कि वे प्रश्न करने वाले न्यायाधीश, मतलब जो उनसे प्रश्न कर रहा है वह न्यायाधीश, प्रश्न करने वाले न्यायाधीश और वकील को नहीं जानते हैं। मतलब इस केस में बच्चों से यह प्रश्न पूछा गया कि आप जानते हैं कि हम कौन हैं, या वकील साहब ने पूछा कि आप जानते हैं कि मैं कौन हूं। तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चे थे उन्होंने इंकार कर दिया कि हम नहीं जानते हैं आप कौन हैं, या हम नहीं जानते हैं कि ये वकील साहब कौन है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ने जो है उनके इन उत्तरों के आधार पर जो है ऐसे बाल साक्षियों के साक्ष्य को ग्रहण करने से मना कर दिया था। तो आगे क्या कहा गया, प्रश्न करने पर न्यायाधीश और वकील को नहीं जानते हैं इसलिए साक्ष्य देने हेतु समर्थ नहीं है, एक त्रुटिपूर्ण राय है। न्यायालय ने जो राय बनाई थी कि भाई बच्चे जो है नहीं जानते हैं कि न्यायालय क्या है, या बच्चे नहीं जानते हैं कि एडवोकेट क्या है, लेकिन बच्चों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि वो न्यायालय में क्यों आए हैं। उनसे पूछा गया कि भाई आप न्यायालय में क्यों आए हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे मदर या मम्मी की मृत्यु के लिए जो है हम गवाही देने के लिए आए हैं। तो इस बात को बच्चों ने न्यायालय में बता दिया था, इस बात को न्यायालय में जो है उन्होंने प्रकट किया था, लेकिन न्यायाधीश का नाम या न्यायाधीश कौन होता है, वकील कौन होता है, इसके बारे में उन्होंने अनभिज्ञता जताई थी। तो न्यायालय ने जो है इसी कारण से उनके साक्ष्यों को, उनके एविडेंस को लेने से इंकार कर दिया था। तो यहां पर न्यायालय ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जब कभी भी बाल साक्षी के साक्ष्य लिए जाने हैं तो वहां पर प्रश्न की युक्ति संगतता और प्रकृति और प्रवृत्ति को ध्यान में रखना चाहिए। अब इसके बाद न्यायालय ने और सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में सावधानी यह रखी जानी चाहिए कि वह विश्वसनीय हो, मतलब जो साक्ष्य दे रहे हैं बाल साक्षी हैं वह साक्षी विश्वसनीय हो और उन्हें सिखाया पढ़ाया ना गया हो, मतलब कि ऐसे बाल साक्षियों को कोई बात रटाई ना गई हो, उनको कोई साक्ष्य पढ़ाया लिखाया ना गया हो, उनको जो है मिथ्य साक्ष्य रटाया ना गया हो। तो इस बात की न्यायालय को ध्यान रखना चाहिए
बाकी जो प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति वगैरह को ध्यान में रखते हुए जो है न्यायालय को, विचारण न्यायालय को ये निर्धारित करना चाहिए, ये राय बनानी चाहिए कि क्या वह साक्षी जो है, बाल साक्षी जो है, न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए सक्षम है या नहीं है। तो यहां पर इन केसेस में यह बातें कही गई। अब हम देखते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट केस। मित्रों अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो है सफी वर्सेस हिमाचल प्रदेश राज्य, जो कि 30 जनवरी 2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया गया। इस केस में जो है जो मेन प्रश्न उत्पन्न हुआ था, जो मुख्य प्रश्न न्यायालय के समक्ष था, वो यह था कि क्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को साक्ष्य रूप में प्रस्तुत करने हेतु प्रमाण पत्र, जो सर्टिफिकेशन होता है, सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो इस प्रश्न पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जिसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाना है, यदि वह उस व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, मतलब जो उसे न्यायालय में प्रस्तुत करवाना चाहता है, यदि वह यंत्र उस व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, तब एविडेंस एक्ट की धारा 65B के सब क्लॉज 4 के अंतर्गत उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। कई सारे मैटर्स ऐसे आते हैं न्यायालय के सामने जहां पर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को जो है, इलेक्ट्रॉनिक जो भी आर्टिकल है उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है, साक्ष्य के रूप में ग्राही कराना होता है। तो कई बार प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हर मामले में सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा। तो इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में स्पष्ट कर दिया कि यदि वह यंत्र जो व्यक्ति उसे न्यायालय में प्रस्तुत करवाना चाहता है, यदि वह यंत्र उस व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है उसका सर्टिफिकेशन करवाना, उसका प्रमाण पत्र, उसे प्रस्तुत करने के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। इसी के साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रमाण पत्र की आवश्यकता का लागू किया जाना एक प्रक्रियात्मक व्यवस्था है, एक प्रोसीजरल कह सकते हैं अरेंजमेंट है, होने व्यवस्था होने के कारण न्याय के हित में न्यायालय के द्वारा छूट प्रदान की जा सकती है। मतलब कि ये जो प्रक्रिया है सर्टिफिकेट पेश करना, यह एक प्रक्रियात्मक व्यवस्था है, और न्यायालय अगर न्याय के हित में चाहता है या न्याय के हित में उसे ऐसा लगता है तो न्यायालय जो है इस प्रक्रिया से जो है अभिमुक्ति दे सकता है, छूट दे सकता है। तो ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के संबंध में या इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, प्रश्न आता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि हर मामले में जो है यंत्र के लिए जो है सर्टिफिकेट इशू करवाना आवश्यक नहीं है, है ना। तभी आवश्यक है जब वह यंत्र उसी व्यक्ति के कब्जे में है जो उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहता है। लेकिन यदि वह यंत्र किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है और कोई व्यक्ति उसे जो है न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कराना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में सर्टिफिकेट का प्रस्तुत किया जाना या उसकी सत्यता वगैरह की जांच के लिए सर्टिफिकेट न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य नहीं है। अब इसके बाद जो हमारा अगला जजमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, यह है रमेश वर्सेस हरियाणा राज्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो कि 22 नवंबर 2016 को डिक्लेयर किया गया। यह केस जो है मृत्युकालीन कथन से रिलेटेड है, डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। अब इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, इस केस में कहा कि मृत्युकालीन कथन यदि प्रबल और विश्वसनीय है वह मात्र दोष सिद्धि का आधार बन सकते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को जो है केवल डाइंग डिक्लेरेशन के ग्राउंड पर, केवल डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पर जो है उसे दोष सिद्ध किया जा सकता है। यदि ऐसी डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालीन कथन जो है प्रबल हो और विश्वसनीय हो, ठीक है। अब इसके बाद और क्या कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में, तो आगे कहा कि मृत्युकालीन कथन स्वयं साक्ष्य का एक स्वतंत्र अंश है। मतलब जो डाइंग डिक्लेरेशन होती है वह एविडेंस का एक सेपरेट पार्ट है या एक सेपरेट अंश है, और बिना संपुष्टि के ही इस पर कार्य किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि उसको जो है संपुष्टि कराई जाए, बगैर संपुष्टि के वे भी उस पर कार्य किया जा सकता है। यदि इसे करने वाला व्यक्ति व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर स्वेच्छा करता है,
मतलब जो व्यक्ति ऐसे मृत्युकालीन कथन कर रहा है, अगर वह व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर जो है इसे स्वतंत्रता से करता है, स्वतंत्र स्वेच्छा पूर्वक करता है, तो केवल मृत्युकालीन कथन के ग्राउंड पर ही किसी व्यक्ति को जो है दोषित किया जा सकता है। तो इस केस में जो है डाइंग डिक्लेरेशन के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई। अब हम देखते हैं हमारा अगला केस क्या कहता है। मित्रों, जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट जजमेंट है फिफ्थ नंबर का, वो है महाराष्ट्र राज्य वर्सेस निसार रमजान सईद। यह केस जो है 7 अप्रैल 2019 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें दिशा निर्देश दिए गए। अब यह केस भी जो है डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। इस केस में हुआ क्या था कि जो निसार रमजान थे, इन्होंने क्या करा कि अपनी पत्नी को मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी और उस जलती हुई आग में जो है अपने एक पुत्र को भी धक्का दे दिया। अब इस कारण से जो है उस महिला की मृत्यु हो गई और उस महिला ने मृत्यु होने से पहले जो है 3 बार मृत्युकालीन कथन किए थे। एक उन्होंने डॉक्टर के सामने मृत्युकालीन कथन किया, दूसरा सहायक उप निरीक्षक जो थे उनके समक्ष जो है मृत्युकालीन कथन किया, और तीसरे नंबर पर जो सर्कल इंस्पेक्टर थे उनके समक्ष जो है मृत्युकालीन कथन किया। अब प्रश्न ये उत्पन्न हुआ कि भाई इन तीनों मृत्युकालीन कथनों में से कौन सा मृत्युकालीन कथन जो है स्वीकार किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ यह प्रश्न भी उत्पन्न हुआ कि भाई किसी व्यक्ति को, किसी अभियुक्त को केवल मृत्युकालीन कथन के आधार पर दोष सिद्ध किया जा सकता है क्या। तो इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या निर्देश दिए, क्या क्या जो है डायरेक्शन दिए। सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि न्यायालय संतुष्ट है कि मृत्युकालीन कथन सत्य और स्वैच्छिक है, वहां बिना संपुष्टि के, ध्यान दीजिएगा, बिना संपुष्टि के जो है उस पर आधारित हो सकते हैं। मतलब अगर न्यायालय, जो विचारण न्यायालय है, इस बात से संतुष्ट है कि मृत्युकालीन कथन जो है स्वैच्छिक रूप से किए गए हैं और सत्य हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है ऐसे मृत्युकालीन कथनों को किसी संपुष्टि की आवश्यकता नहीं होती, वह बिना संपुष्टि के भी न्यायालय में ग्राही होंगे और उसी के साथ साथ न्यायालय बगैर संपुष्टि के पर भी जो है ऐसे मृत्युकालीन कथन पर जो है आधारित होकर निर्णय दे सकती है, दोष सिद्धि कर सकती है। अब इसके बाद जो है अगली बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कही कि जहां कोई मृत्युकालीन कथन संदेहास्पद है, मतलब अगर कोई मृत्युकालीन कथन जो है डाउटफुल है, संदेह है, तो ऐसी स्थिति में संपुष्टि कारक साक्ष्य के बिना उस पर कार्य नहीं करना चाहिए। स्पष्ट रूप से कहा कि भाई अगर मृत्युकालीन कथन सत्य और स्वैच्छिक है तो बिना संपुष्टि के जो है ऐसे मृत्युकालीन कथन पर जो है दोष सिद्धि हो सकती है, लेकिन अगर मृत्युकालीन कथन संदेहास्पद है, डाउटफुल है, या जो है उनको जो है उसमें डाउट है न्यायालय को कि ये मृत्युकालीन कथन जो है सही है या गलत है, तो ऐसी कंडीशन में मृत्युकालीन कथनों को संपुष्ट किया जाना चाहिए किन्हीं अन्य साक्ष्यों से, तभी जो है इसके आधार पर दोष सिद्धि की जा सकती है। अब इसके बाद आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जहां की मृत्युकालीन कथन के रूप में एक से अधिक कथन है, ध्यान दीजिएगा मोर देन वन, एक से अधिक कथन है, तो समय बिंदु के दृष्टिकोण से, मतलब टाइम के हिसाब से जो है प्रथम कथन, जो पहली बार कथन किए गए हैं, प्रथम कथन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो सबसे पहले कथन किए गए थे उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके पीछे तर्क यह था कि मृत्युकालीन कथन जो है जब कोई व्यक्ति करता है तो वह मृत्यु के जो है उसके जो पहले कथन होते हैं उस पर ज्यादा विश्वास किया जाना चाहिए, उसके बाद के कथनों में अगर वह व्यक्ति किसी अन्य से भी मिला हो तो ऐसी कंडीशन में उन कथनों में जो है मिक्सिंग होने की संभावना रहती है, तो ऐसी कंडीशन में जो है सबसे जो प्रथम कथन उन्होंने किए उस कथनों को जो है प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बाद वाले कथनों को जो है न्यायालय ध्यान संज्ञान में ले सकती है, लेकिन प्राथमिकता तो प्रथम कथनों को दी जाएगी। अब इसके बाद आगे माननीय न्यायालय ने कहा कि मात्र इस कारण की किसी मृत्युकालीन कथन में घटना के संबंध में विस्तृत विवरण नहीं है, मतलब किसी व्यक्ति ने जो है अगर मृत्युकालीन कथन किए हैं लेकिन उसमें घटना का पूर्ण विवरण नहीं है, विस्तृत विवरण नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है,
कि मृत्युकालीन कथन में अगर पूर्ण विवरण ना हो, मरते समय व्यक्ति जो है पूरा विवरण ना दे पाया हो, वो किसी कष्ट में हो, तो ऐसी कंडीशन में उसने अगर डायरेक्शंस दे दिए हैं या उसने जो है इस कथन किए तो हैं लेकिन पूरी घटना को विस्तार से नहीं बताया, तो इस कारण से उन मृत्युकालीन कथनों को जो है अस्वीकार नहीं करना चाहिए। उसको जो है न्यायालय संज्ञान ले सकता है, उसको न्यायालय एडमिट कर सकता है, लेकिन यहां पर भी संपुष्टि की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से यह जो केस है, यह मृत्युकालीन कथनों पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है जिसके अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सारे डायरेक्शंस दिए थे। मित्रों, इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है एविडेंस एक्ट के उन जजमेंट्स को देखा जो कि हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिसाइड किए हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मित्रों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। मित्रों, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां हम जो है रेगुलरली ला रहे हैं, और अगले जो वीडियोस होंगे जिसमें हम विभिन्न सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण जजमेंटों को आपके समक्ष रखेंगे, आपके लिए लाभदायक होंगे। तो मित्रों, इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।